तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। बहुत सारे मुद्दों पर बात होगी, जो पुरानी याचिका है जिसकी सुनवाई कल होनी है उसकी चर्चा होगी, जो याचिका पढ़ने वाली है उसके आधार क्या क्या हैं, शिक्षा नियमावली और पिछले जो ऑर्डर हैं वो क्या हैं, और पदोन्नति रोक करके जो सीधी भर्ती की मांग विद्यार्थी कर रहे हैं उसका आधार क्या। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये नियमावली दिखाई, जिन विद्यार्थियों ने पिछला वीडियो न देखा हो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का वो लोग एक बार इसे देख लें कि जो बेसिक शिक्षा की नियमावली है उसमें कॉलम 3 के अनुसार जो विज्ञान और गणित की जो भर्ती होती है वो आज भी 50% सीधी भर्ती और 50% पदोन्नति, ये नियम आज भी है गणित के अध्यापकों के लिए और विज्ञान के अध्यापकों के लिए। वहीं पर इसके बाद और ये जो नियमावली है वो अध्यापकों की भर्ती के लिए भी है और अध्यापिकाओं की भर्ती के लिए भी है। वहीं पर नीचे अगर जाएंगे तो गणित से विषय, जैसे मैंने बताया था कि इसके अलावा जो भी विषय है चाहे वो सोशल हो चाहे वो भाषा का पेपर हो, इसमें सरकार ने पूरा पदोन्नति कर दिया है। जैसे यहाँ पर लिखा पदोन्नति जैसे 18 नियम में उपबंधित है। यहाँ पर विद्यार्थी, पहली बात तो एक ये है कि एक समानता का अधिकार का उल्लंघन और ये शिक्षा सेवा नियमावली को चुनौती देने के लिए विद्यार्थी जो नई याचिका डाल रहे हैं, जो नई याचिका है वो इस नियमावली को चैलेंज करने के लिए है कि इसमें ये भेदभाव क्यों, गणित और जो विज्ञान का 50% और जो सोशल के विद्यार्थी हैं उनका जो प्रमोशन किया जा रहा है पूरे विद्यार्थियों का। एक बात मैं और बता दूं कि यहाँ पर नियमावली में भले ही विज्ञान और गणित की बात की जा रही है लेकिन जो अभी अलग अलग जिलों का जो रिक्त पदों का विवरण आ रहा है, जो प्रमोशन हो रहा है वो पूरे पदों पर हो रहा है। इन विद्यार्थियों के पद हैं जो 50%, तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि 100% प्रमोशन हो रहा है और इनका तो नियमावली में ही सरकार ने संशोधन कर दिया है यहाँ पर नीचे वाला, तो इसमें इनका पूरा प्रमोशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों को एक पॉइंट मिला है, यहाँ पर पॉइंट ये कि परंतु यदि उपर्युक्त 5 और 6 में उल्लिखित पदों पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त विद्यार्थी उपलब्ध ना हो, यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है उपयुक्त, तो नियुक्ति नियम 15 में दी गई रीति से सीधी भर्ती द्वारा की जा सकती है। यानी कि आज भी सरकार अगर चाहे तो जूनियर में कक्षा 6 से 8 तक के लिए सीधी भर्ती आज भी हो सकती है। किन पदों पर, केवल विज्ञान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर 6 और 5 लिखा हुआ है और 6 और 5 में किसकी भर्ती की बात की गई है ये देखिए, 6 और 5 में जो बात की गई है वो गणित विज्ञान से भिन्न सहायक अध्यापिका यानी कि जो सोशल के पद हैं और जो भाषा के पद हैं, जो पद हैं उनमें ये भर्ती आज भी हो सकती है। तो इस वजह से विद्यार्थी प्रमोशन को रोक रहे हैं और इन विद्यार्थियों का ये कहना है कि जो पर्याप्त टीचर है ही नहीं प्रमोशन के लिए उत्तर प्रदेश में, जो छात्र जिन्होंने उच्च वाला टीईटी यानी कि अपर लेवल का जिन्होंने टीईटी किया हो, क्योंकि 6 से 8 बनने के लिए जो योग्यता होती है वो उच्च वाला टीईटी होना चाहिए, अपर टीईटी होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक ऑर्डर दिखाता हूँ, हाई कोर्ट का है, मद्रास हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी अध्यापक का अगर प्रमोशन होता है, किसी भी अध्यापक का अगर प्रमोशन होता है, अगर मान लीजिए प्राइमरी ही का ही कोई अध्यापक है पुराना जब टीटी नहीं होता था, उसको अगर प्रमोट होकर के अगर उसको प्रधान अध्यापक बनना कक्षा 1 से 5 में तो भी उसको टीईटी पास होना चाहिए, और अगर कोई प्राइमरी से अपर प्राइमरी में आता है, उच्च प्राथमिक में आता है तो उसको तो टीटी होना ही चाहिए। और जो जानकारियां निकल करके आ रही हैं कि कोई भी अभी जो प्रमोशन चल रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं, ज़्यादातर जो अध्यापक हैं वो टीटी पास नहीं है। ये देखिए आप लोग पहले मद्रास हाईकोर्ट का ये ऑर्डर, तो ये ऑर्डर है मद्रास हाईकोर्ट का जो मेरे पास है, ये बहुत बड़ा है ऑर्डर है, बहुत सारी याचिकाएं हैं, बहुत बड़ा मामला है, देख सकते हैं 76 पेज 70 पेज 78 पेज 80 84। हम लोग सीधे ऑर्डर की मुख्य बात है केवल वो देखेंगे, नीचे की जो प्रमोशन के लिए जो ऑर्डर दिया गया है जो हर जगह लागू हो रहा है, इसी ऑर्डर को दिखा करके ऑर्डर करवाए जा रहे हैं प्रमोशन को लेकर के। ये आया आपका लास्ट पेज और ये जो ऑर्डर है ये दिया था, यहाँ पर जस्टिस का नाम लिखा है आर महादेवन और मोहम्मद सफीक, और इनका ये जो देखिए ऑर्डर, ये लास्ट का जो 75 नंबर का जो पॉइंट है, लगभग 200 पेज का ये ऑर्डर है। द नरेशन ऑफ फैक्ट विच प्रोपेल्ड दिस केस वुड इंडिकेट दैट द टीचर हैव नॉट बीन अपॉइंटेड फॉर 10 ईयर्स इन स्पाइट ऑफ बींग क्वालिफाइड विद ए पास इन टीईटी ऑन द बेसिस ऑफ अबव फाइंडिंग एंड ऑब्जर्वेशंस मेड द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू कंडक्ट टीईटी करवाए पीरियोडिकली समय समय पर एंड मेक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सीधी भर्तियां करे ऑफ टीचरों की एंड प्रमोशन फ्रॉम द एमंग टीईटी प्रमोशन करे ये जो टीईटी पास जो शिक्षक हैं पुराने
क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एट द ईयर लिस्ट, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये भर्ती की जाए, प्रमोशन किया जाए। तो यहां पर सीधी भर्ती के लिए भी आदेश दिया गया है और प्रमोशन के लिए भी आदेश दिया गया है कि किस तरीके से प्रमोशन होगा। प्रमोशन को लेकर कि इस ऑर्डर में एक बात और की गई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 29 जुलाई 2011 शैल कंटिन्यू इन सर्विस एंड आल्सो रिसीव इंक्रीमेंट एंड इंसेंटिव्स इफ इवन इफ दे डू नॉट प्रोसेस एक्वायर इन ए पास टीईटी एट द सेम टाइम फॉर फ्यूचर प्रमोशनल प्रोस्पेक्ट्स लाइक प्रमोशन फ्रॉम सेकेंडरी ग्रेड टीचर टू बीटी असिस्टेंट टीचर। प्रमोशन के लिए टीटी की बात की गई है एज वेल एज फॉर प्रमोशन टू हेडमास्टर, अगर किसी टीचर को प्रमोट किया जाता है हेडमास्टर में लिखा है ETC irrespective of their dates of original appointment they must necessary possess TET failing which they will not be eligible for promotion। अगर वो TET पास नहीं है तो फिर इनका प्रमोशन नहीं होगा। आपने हाई कोर्ट का ऑर्डर देखा, आपने देखा बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली, अब तीसरा जो प्रपत्र है जिसको लेकर के विद्यार्थी कोर्ट जा रहे हैं वो है NCTE का प्रपत्र जिसमें TET की अनिवार्यता को लेकर के बात की गई है। ये नया पत्र है जो 11 सितंबर को जारी किया गया है और NCTE भी यही बात कहता है कि रिस्पांस टू रिप्रेजेंटेशन डेटेड 2 अगस्त 2023 सीकिंग क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड TET फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट लेवल फॉर द टीचर्स अपॉइंटमेंट प्रायर टू द NCTE नोटिफिकेशन डेटेड 23 अगस्त 2010। और ये जो NCTE ने ये जो पत्र जारी किया था, जो मैंने अभी मद्रास हाईकोर्ट का पूरा ऑर्डर दिखाया, ये उसके बाद ये पत्र NCTE को जारी करना पड़ा है। और यहाँ पर NCTE ने वही बात बताई है कि मद्रास हाईकोर्ट, ये देखिए मद्रास हाईकोर्ट जजमेंट डेटेड 2 अगस्त 2023 पास्ड इन रिट अपील नंबर, ये सब लिखा हुआ है और ये सब जानकारियाँ यहाँ पर दी गई। और यहाँ पर ये साफ साफ कर दिया गया भर्ती के लिए कि फॉर प्रमोशन ऑफ टीचर्स द रिलेवेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल आर एप्लीकेबल एप्लीकेबल फॉर द कंसिडरेशन फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट लेवल। तो जो वांछित योग्यता है वो उसके पास होनी चाहिए अगर वो नेक्स्ट लेवल में जाना चाहता है। तो यहाँ पर NCTE ने भी TET को लेकर के जो स्थिति है वो साफ कर दी है। इसी को लेकर के इसके दो केसों की सुनवाई कल होनी है और कल जो सुनवाई हो रही है वो प्रमोशन को रोकने को लेकर के, और ये केस लिस्ट करवा दिया गया है, सुबह मेंशन करवाया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 22 दिसंबर की ये डेट पड़ी हुई है, कल ये केस लिस्ट है। यही सब आधार हैं और जिस आधार पर विद्यार्थी दावा कर रहे हैं कि प्रमोशन रुक सकता है अगर सरकार ने बिना TET के प्रमोशन किया है। और एक केस ये जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस ये जो दोनों केस हैं वो मंजीव शुक्ला जी की जो बेंच है वहाँ पर इसकी सुनवाई होगी। कल एक केस के जो अधिवक्ता हैं वो अशोक खरे हैं, एक केस के जो अधिवक्ता हैं वो सीमांत सिंह हैं। अब सुनिए जो अखिलेश यादव हैं इस केस की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनका क्या कहना है कोर्ट अपडेट को लेकर। एक सूचना है हमारी पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर के, हमारी जो दो याचिकाएं जिसमें दो अधिवक्ता आदरणीय सीनियर अधिवक्ता श्री अशोक खरे जी और जूनियर अधिवक्ता आदरणीय श्री सीमांत जी, पदोन्नति में टेट लागू के संबंध में दोनों याचिकाएं कल कोर्ट नंबर 36 में 108 नंबर पर आ रही है एडिशनल के अंतर्गत, और मुझे उम्मीद है कि हमारे सीनियर अधिवक्ता द्वारा कल कोर्ट रूम में जाकर के मेंशन कराया जाता है। अगर माननीय जज महोदय मेंशन को मान लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी जीत की एक, जिस जीत की दहलीज पे हम खड़े हैं प्रमोशन प्रक्रिया को स्टे कराने के लिए, वो प्रमोशन प्रक्रिया रुकेगी। लेकिन इस प्रमोशन प्रक्रिया रुकने से उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड डिग्री धारक भाई बहनों का उतना लाभ नहीं होगा जितना बेसिक शिक्षा नियमावली को चैलेंज करने से। ये प्रमोशन प्रक्रिया सिर्फ परिषदी प्राथमिक के सहायक अध्यापकों का परिषदी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो विदाउट टेट प्रमोशन हो रहा है उसको रोकवाने के लिए डाला गया है। जब तक हम बेसिक शिक्षा नियमावली को चैलेंज करके गणित विज्ञान की भांति 50% सीधी भर्ती नहीं बहाल करवा लेते हैं तब तक हमारी जीत अधूरी है। और खास करके हम गणित विज्ञान के भी अभ्यर्थियों को सूचित करना चाहता हूँ कि गणित विज्ञान के भी जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस गफलत में ना रहें कि हमारे लिए सीधी भर्ती आएगी। मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि विभिन्न जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जो
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्तियों का ब्यौरा दिया गया है। हम आपको बताते चले कि महाराजगंज में 2832 और इन 2832 पदों पर उत्तर प्रदेश सरकार जो है प्रमोशन करने जा रही है। इससे ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि बेसिक शिक्षा नियमावली में जो गणित विज्ञान के लिए 50% सीधी भर्ती थी और 50% प्रमोशन था, उस नियमावली को भी ये दरकिनार करते हुए 100% गणित विज्ञान पर भी प्रमोशन करने का काम कर रहे हैं। उसी तरह चंदौली में 1877 पद रिक्त हैं, संबल में 903 पद रिक्त हैं, रामपुर में 819 पद रिक्त हैं। इसी तरह से जितने भी जिले हैं साथियों, हर जिले में लगभग 150-200-250-300 पद से ऊपर जो है पद रिक्त हैं। ये केवल आपका परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्तियों का ब्यौरा है। अभी हम प्रधानाध्यापक की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानाध्यापक की भी 50% सीधी भर्ती है आपकी नियमावली में। मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का अगर बीएड जिस दिन जाग गया, उसके लिए टीजीटी पीजीटी के अलावा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में भी जगह है, प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल में भी जगह है, परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जगह है, लेकिन इसके लिए आप सभी को सामने आना पड़ेगा। ये आप सुन रहे थे अखिलेश यादव। और अगर हम बात करें सुपर टेट के बारे में, विद्यार्थी पूछ रहे थे, जब से ये मुद्दा आया है नई शिक्षक भर्ती का, जूनियर भर्ती का, तो विद्यार्थी सुपर टेट के बारे में जानकारी मांग रहे थे। तो अभी सुपर टेट के बारे में कोई भी नियमावली नहीं है। जूनियर की भर्ती के लिए अभी भी सीधे प्रमोशन का नियम है, जो अमेंडमेंट किया गया था 18वां, 19वां, 20वां, 21वां संशोधन इत्यादि। ये 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सुपर टेट को लेकर के संशोधन हुए थे। अभी चूंकि जूनियर भर्ती का सरकार का कोई प्लान नहीं था, इसलिए सरकार ने अभी इसका कोई भी पाठ्यक्रम वगैरह तय नहीं किया है। हाँ, इतना जरूर है कि चूंकि नए आयोग का जो हमने ड्राफ्ट देखा है, उस ड्राफ्ट में ये पाया गया है कि सारी जो भर्ती हैं वो लिखित परीक्षा के माध्यम से होंगी। देखते हैं, अभी तो बहुत दूर का मामला है, क्या भर्ती आती है, क्या होता है, ये हो गया आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कर दिया करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें।